धनुष देखा हाँ, और इंद्रधनुष में सात रंग होते हैं और वही सात रंग इसमें दीवार बोर्ड में लिखे गए हैं जिसको हम लोग विज्ञान कर करके याद करते हैं। वी से वॉलेट, आई से इंडिगो, ब्लू से ई से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। विज्ञान और ये सात रंग तीन मूल रंग से मिलकर बने और तीन मूल रंग है लाल, पीला और नीला। ये जब तीनों एक दूसरे से मिलते हैं तो दूसरे रंग भी तैयार होते हैं और इस तरह हमें सात रंग मिलते हैं जो मूल तीन रंग हैं लाल, पीला और नीला। लाल और पीला मिलते हैं तो नारंगी रंग तैयार। और पीला और नीला रंग मिलता है तो हरा रंग तैयार होता है। नीला और लाल रंग मिलता है तो बैंगनी रंग तैयार होता है। और नीला और सफेद रंग मिलता है तो आसमानी रंग तैयार होता है। और हमारे आयुर्वेद ये कहता है कि वात पित्त कफ के असंतुलन से रोग होता है। तो आयुर्वेद के सिद्धांत को सूर्य किरण चिकित्सा वालों ने भी पकड़ रखा है। तो वात को नियंत्रित करने के लिए हरा रंग का इस्तेमाल करते हैं। पित्त को नियंत्रित करने के लिए नीले रंग का इस्तेमाल होता है। और कफ को का बैलेंस बनाने के लिए नारंगी और लाल रंग का इस्तेमाल होता है। दोनों मतलब ये दोनों कलर इस्तेमाल होते हैं, नारंगी रंग और लाल रंग। हमारा शरीर रंगों का पिंड है। हमारे शरीर में जो भी अंग है उसमें सब रंग है, कोई भी अंग रंगहीन नहीं। और हर अंग के अलग अलग रंग हैं, जैसे ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लिवर, स्प्लीन, किडनी, इंटेस्टाइन, मांसपेशियां, ब्लड, सबके रंग अलग अलग। यहां तक कि जिन कोशिकाओं से मिलकर यह अंग बना है वो कोशिकाएं भी रंगीन हैं, तभी वो रंग है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि हमारे शरीर का कोई भी ऐसा अंग नहीं है जो रंगहीन हो। तो जब कोई भी अंग बीमार पड़ेगा उसका रंग बदल जाएगा। तो सूर्य किरण चिकित्सक ये कहते हैं कि हम उनको स्वाभाविक रंग पे ला देंगे और वो ठीक हो जाएगा। जब अंग बीमार है तो उसका रंग खराब है या बदल गया है। जब आप प्रायश्चित करेंगे और वो रोग चला जाएगा तो स्वभावतः रंग अपने आप वही आ जाएगा जो उसका पहले था। और हर अंग के लिए स्पेसिफिक रंग है। जैसे सिर के लिए नीला रंग, मतलब इन अंगों को इन रंग की मांग होती है।
सिर पर नीला रंग, गले के लिए गहरा नीला रंग, गहरा नीला, छाती और फेफड़े के लिए बैंगनी, हाथ और गुर्दे के लिए हरा, मूत्राशय के लिए हरा, मूत्राशय आंखों आंख पे आने दीजिए, आंख नहीं आंख मैंने बताई, आंख नहीं बताई, आंख इंटेस्टाइन और गुर्दा हरा रंग, और आंख भी सिर में आता है, मूत्राशय हरा रंग, त्वचा हरा रंग, जिगर और तिल्ली पीला रंग, पीला येलो, अमाशय नारंगी रंग, धड़ बाजू और मूत्रेंद्री जनेंद्री लाल रंग, और रंग की प्रॉपर्टी होती है जनेंद्री धड़ बाजू और जनेंद्री लाल रंग, मैं सूर्य की रंगीन किरणों की प्रकृति क्या होती है, तीन रंगों की तीन प्रकृति होती है, इन रंगों के गुण क्या होते हैं, नीले रंग का गुण होता है ठंडक तथा शांति पहुंचाने वाला, नीले रंग का गुण है ठंडक तथा शांति पहुंचाने वाला, कूलिंग एंड सूदिंग इफेक्ट, कूलिंग एंड सूदिंग इफेक्ट, और इस नीले रंग में तीन रंग और आते हैं वॉयलेट इंडिगो एंड ब्लू, और ये पित्त दोष को नाश करता है, पित्त दोष को नियंत्रित करता है, नाश तो शब्द नहीं होगा, पित्त दोष को नियंत्रित करता है, फिर आता है लाल रंग, गर्मी तथा उत्तेजना देने वाला, वार्मिंग एंड स्टिमुलेटिंग इफेक्ट, और इस लाल रंग के अंतर्गत तीन रंग और आते हैं येलो ऑरेंज एंड रेड, येलो ऑरेंज एंड रेड, फिर तीसरा रंग आता है हरा रंग, नीले और लाल रंग के बीच संतुलन करने वाला, नीले और लाल रंग के बीच संतुलन करने वाला तथा रक्त शोधक, हार्मोनाइजिंग, हार्मोनाइजिंग एंड ब्लड प्यूरिफाइंग, और ये वायु दोष, वायु दोष को नियंत्रित करता है, कफ दोष,
कब दोष हो। अगर आप लोग अपने को एनालाइज करो तो किसी को पित्त दोष रहता है, मतलब खट्टी बेकार आएगी। आप लोग अपने को एनालाइज करो तो आप किसी न किसी एक भाग में जरूर या कफ दोष है या वायु दोष है या पित्त दोष है। और आपको सबको अपने अपने रंग पसंद आते हैं, किसी को लाल रंग पसंद आता है, किसी को नीला रंग पसंद आता है, किसी को हरा रंग पसंद आता है, किसी को बैंगनी रंग पसंद आता है, सबके अपने अपने पसंद है। ये तो कभी कोई चीज कोई ले आता है तो दूसरा उसको नकार देता है कि हमें पसंद नहीं, क्योंकि पसंद उसको वही रंग आता है जिस रंग की उसके शरीर में जरूरत है। अगर आप एनालाइज करो तो आप देख लोगे कि नीला रंग, वॉयलेट रंग, इंडिगो रंग, ये नीले रंग से आसपास मिलने वाले हैं पित्त दोष के प्रधान, इनको खट्टी नकार आती है। अधिकतर लोगों को नीले रंग के आसपास का रंग पसंद आता है। और जो कफ प्रधान दोष हैं, जिनको जुखाम है, छींक है, गला खराब है, जब देखो तब नाक बहने लगती है, जब देखो तब रुमाल का इस्तेमाल करना पड़ता है, ऐसे व्यक्तियों को पीला रंग, नारंगी रंग, लाल रंग पसंद आता है। ये 80% लोगों में सही पाया जाए, एक्सेप्शन तो जो दो, और जो दो दोष के प्रधान है उनको दोनों रंग पसंद आए। और जो वायु दोष के हैं, गैस ज्यादा बनती है, दर्द ज्यादा होता है जोड़ों में, हैं गैस ज्यादा निकलती है, उन लोगों को हरा रंग या हरे रंग का शेड पसंद आए, हल्का हरा या गाढ़ा। अगर आप एनालाइज करो तो आपकी समझ में आ जाएगा कि आपकी रुचि वही उसी रंग की होती है जिस रंग की आपके शरीर में कमी है। और इन रंगों को हम 5 तरह के प्रयोग से हमारे शरीर के लायक बना पाते हैं। पहला है ओरल एप्लीकेशन, ओनली ग्रीन, डार्क एंड लाइट, हम सूर्य किरण चिकित्सा को प्राय 5 तरीकों से प्रयोग करते हैं। पहला है खाने पीने की चीजों द्वारा भीतरी प्रयोग, खाने पीने की चीजों द्वारा भीतरी प्रयोग, ओरल एप्लीकेशन। इसमें आता है पानी, चीनी, मिश्री, दूध पाउडर, इन चीजों को हम रंगीन शीशों में रख के उसे रंग से चार्ज कर लेते हैं और फिर चार्ज करने के बाद इसको घर में रख लेते हैं और तब उसका प्रयोग करते रहते हैं। इस तरह है ये ओरल एप्लीकेशन। दूसरा है मालिश करने या लगाने द्वारा बाहरी प्रयोग, मालिश करने या लगाने द्वारा बाहरी प्रयोग, लोकल एप्लीकेशन। इसके अंतर्गत आता है तेल, घी और ग्लिसरीन, इनको हम रंगों से चार्ज कर लेते हैं और जब आवश्यकता होती है तब उसका प्रयोग करते हैं। और तीसरा आता है श्वास द्वारा सूर्य तप्त खाली बोतल को सूंघना, सांस द्वारा सूर्य तप्त खाली बोतल को सूंघना, क्योंकि उस बोतल के अंदर जो हवा है उसको हम उस रंग से चार्ज कर लेते हैं और उस बोतल की हवा को सूंघने से हमारे नाक के द्वारा वो रंग हमारे शरीर में जाता है और इसको कहते हैं कलर ब्रीदिंग। और चौथा है सीधी किरणें डालना, सीधी किरणें डालना रेडिएशन, जो हम यहां थर्मोलियल चिकित्सा में प्रयोग करते हैं।
तो यहाँ जो थर्मोलियम चिकित्सा का जो डब्बा बना हुआ है उसमें चार रंग का प्रयोग होता है, लाल, हरा, नीला और पीला। और इस चिकित्सा ये चिकित्सा 20 मिनट की होती है। उस डब्बे को धूप में रखते हैं और उसका प्रयोग तब करते हैं जब कपड़ा उतारने के बाद उसके अंदर लेटा जाए तो ठंडा न रहे, क्योंकि जब धूप में उस डब्बे को रख देंगे और सूर्य रंग से जब रेज अंदर जाएगी तो वो उतना गर्म हो जाता है जिससे कि आदमी कपड़ा उतार कर लेटने पर उसे ठंडक नहीं लगती। और जब अंदर जाता है तो गर्मियों में तो अच्छा खासा पसीना निकल जाता है, जाड़ों में पसीना नहीं निकलता। तो पसीना निकलता है इसलिए इस चिकित्सा को देने के पहले एक गिलास पानी पिलाते हैं। जाड़ों में गर्म पानी पिलाते हैं और गर्मियों में ठंडा पानी पिलाते हैं। जैसे अन्य सारी चिकित्सा दी जाती है, सर को गीला रखते हैं और सर पर गीला कपड़ा रखते हैं और बार बार उसको ठंडे पानी से धोते हैं। ये नल और पाइप की सुविधा तो इसलिए लगा दी जाती है कि नौकर आलसी होता है, वो पानी डालेगा नहीं डालेगा वो नल लगा के छुट्टी पाएगा। तो अगर नल लगाने की सुविधा ना हो तो परेशान ना हो, क्योंकि तो आसान काम नहीं है कि नल के पास वो डब्बा रखा जाए या जहाँ डब्बा रखे वहाँ नल हो। एक दो बार गीले का सर को गीला करते, जैसे आपने सारे बदन की गीली पट्टी देखी धूप में दी जाती है, तब सर को एक दो बार तीन बार गीला करते हैं। जब कमरों में दी जाती है तो पाइप के साथ उसको जोड़ दिया जाता है। वो इसलिए किया गया है ऐसी व्यवस्था कि नौकर बार बार गाली न खाए। जब वो पाइप लगा देगा तो गाली नहीं खाए और जब सर पे पानी नहीं डालेगा तो गाली खाए। शीशा लगा और सूर्य की किरणें उसमें पड़ती हैं, वो रंग अंदर शरीर पे लगता है। लाल रंग से हम जोड़ों के दर्द के लिए देते हैं। इंफ्रारेड रेज के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, इंफ्रारेड रेज से सिकाई के बारे में आपने सुना होगा। इसलिए आप देखिए पैर की तरफ कभी धूप नहीं निकली, धूप निकलेगी तो आपको दिखाई दे जाएगा। पैर के पास जो पहला डब्बा पहला रंग लगाते हैं वो लाल रंग लगाते हैं, क्योंकि घुटने में एड़ी में पंजों में हमेशा दर्द बना रहता है, इसलिए पैर पर लाल रंग। और मैंने आपको बताया कि पित्त दोष में नीला रंग, आपको त्रिदोष में जब मैंने बताया तो पित्त दोष को नियंत्रित करने के लिए नीला रंग देते हैं। अब पित्त दोष मतलब खट्टी डकार, एसिडिटी ज्यादा नहीं, तो एसिडिटी को कम करने के लिए पेट पर नीला रंग देते हैं। तो जब थर्मोलियम का डिब्बा लगाते हैं और मरीज को अंदर लेटाते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि वो अंदर बाहर इतना हो जाए कि पेट पर नीला रंग आ जाए। मतलब ये हुआ कि शीशा की जो रेज पड़ रही है उसका केंद्र नाभि पे होना चाहिए। और फिर मैंने आपको बताया कि कफ दोष के लिए पीला, नीला और लाल इस्तेमाल करते हैं। तो लाल खतरनाक माना जाता है क्योंकि उससे ब्लीडिंग भी हो सकती है, क्योंकि उसका रेज बहुत डीप रूटेड जाती है, इसलिए वहां पे हम पीला शीशा इस्तेमाल करते हैं, येलो कलर। और जो खाली जगह होती है उसको हम हरे रंग से भर देते हैं, नहीं तो ठंडी हवा जाएगी और अंदर गर्मी नहीं रहेगी, इसलिए जो बाकी जगह है उसको हरे रंग से ढक देते हैं, क्योंकि हरा रंग त्वचा के लिए सर्वोत्तम है। पीले छाती पर, पीले की रोशनी छाती पर क्योंकि कफ निकालने की प्रवृत्ति है उसमें, नीले की रोशनी पेट पर कि एसिडिटी को नियंत्रित करने की उसमें क्षमता है, और बची हुई जगह पर हरा रंग, क्योंकि हरा रंग त्वचा के लिए उत्तम है और जहाँ त्वचा रोग होता है
वहां सारे रंग हटाकर हरा रंग देते हैं, जैसे ल्यूकोडर्मा सोरायसिस त्वचा का रोग है, त्वचा पे खुजली हो उस जगह पे हरा रंग देते हैं। और बहुत से लोग इस हरे रंग का प्रयोग जैसे सारे बदन की गीली पट्टी में पेशेंट को लिटा देते हैं, उसके बाद वो केले के पत्ते से उसको ढक देते हैं और प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से उसके ऊपर ढक देते हैं। तो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के ढकने की वजह से रेस ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से अंदर घुस जाती है और फिर वो केले के पत्तों को गर्म करती है और वो गर्मी फिर त्वचा को देती है, तो वो प्राकृतिक पना ज्यादा दिखाई देता है, लगता है कि आप प्राकृतिक माहौल में हो। इसलिए बहुत ज्यादा आपको प्रभाव डालना हो तो ये सब करने की आवश्यकता है, नहीं तो सीधे सीधे हरा रंग लगाइए शीशे का और पूरे थर्मोलियम का काम। अब बहुत से ऐसे मरीज होते हैं जिनको एसिडिटी रेगुलर होती है, उनको हम अलग एक डिब्बा अंदर आप देख लीजिए चिकित्सालय में रखा हुआ है जिसमें केवल एक शीशा लगता है, तो वो अब जैसे धूप नहीं है तो हम थर्मोलियम नहीं दे सकते। थर्मोलियम धूप में भी नहीं धूप रहते हुए भी देख सकते हैं कि जितना ऊपर शीशा लगा रहता है उसके ऊपर 1 फीट बाई 1 फीट का डब्बा बना के 200 वाट के 3 बल्ब लगा दीजिए तो उतनी गर्मी मिल जाएगी। रेज की बात है, बल्ब से जो रेज निकलेंगी वो शीशे से ट्रांसफर होके जाएंगी तो वही रेज पैदा करेंगी। इसलिए ऐसा नहीं है कि सूर्य किरण की रेज आए तो पूरा लाभ होगा और बल्ब की रेज आए तो कम लाभ होगा, लाभ उतना ही मिलेगा। और इसी तरह वो भी एक कवर बना हुआ रखा हुआ है, वो भी हम आपको दिखा देंगे, तो उसमें 3 बल्ब लगा दिए 200 वाट के, उससे काम चल जाएगा। और जो हम सिंगल इस्तेमाल करते हैं, एक हरा रंग का इस्तेमाल, नीले रंग का इस्तेमाल, नीले रंग का इस्तेमाल ब्लू कलर का हमेशा करते हैं क्योंकि अधिकतर लोग पेट की तकलीफ से आते हैं, तो एसिडिटी को कम करने के लिए 20 मिनट की थर्मोलियम और उसमें जो बल्ब लगता है वो 100 वाट का लगता है क्योंकि वो चारों तरफ से बंद रहता है और एक ही शीशे पर रहता है, इसलिए 100 वाट का बल्ब सिंगल कलर गैस का शीशे की। अच्छा, अब नीले रंग का शीशा पीले रंग का शीशा आसानी से मिल जाता है, हरे रंग का शीशा आसानी से मिल जाता है, लाल रंग का शीशा नहीं है। तो लाल रंग का शीशा तैयार करने के लिए 2 शीशे लीजिए और उसके बीच में 2 लेयर सेलोफेन पेपर का लगा दीजिए। सेलोफेन पेपर हर रंग के आते हैं, जिलेटिन ट्रांसपेरेंट है सेलोफेन पेपर, और सेलोफेन पेपर आप लगा देंगे ऊपर नीचे से शीशा लगा देंगे तो रेज सेलोफेन पेपर से जाएगी तो लाल रंग निकलेगा, लेकिन बार बार सूर्य किरण से उस पर रेज पड़ने से रंग उड़ जाता है। तो ये ध्यान रखिए कि वो 10 बार देने से उड़ जाता है या 20 बार देने से उड़ जाता है, रंग उड़ जाए तो फिर सेलोफेन पेपर बदल दीजिए। और फिर और यही सबसे ज्यादा सूर्य किरण चिकित्सा में कारगर मैंने माना है, इसलिए मैं खाली इसी का प्रयोग आरो मंदिर में आप मैं करता हूं, लेकिन काम सभी करते हैं, उसमें मेहनत लगती है, लगाना पड़ता है, करना पड़ता है। तो आप इस यह करके एक तमाशा कर सकते हैं, जैसे अगर आपने किसी को कटी स्नान बता दिया तो कटी स्नान का आपने लाभ देख लिया, कटी स्नान का लाभ, तो कटी स्नान पानी में बैठ जाओ कटी स्नान का लाभ मिलेगा, तो कटी स्नान के ताप का ही तो लाभ मिलेगा, पानी में जो ठंडक है उसका लाभ मिलेगा। अगर उसमें 2 बोतल आप 2 बूंद डिटॉल डाल दो तो उस डिटॉल का तो कोई लाभ नहीं मिलेगा, लाभ उस पानी का मिलेगा। उसमें 2 बूंद आप सेवलॉन डाल दो तो भी लाभ आपको उस पानी का ही मिलेगा। लेकिन अगर आप इन दोनों को मिला दो और एक शीशी तैयार कर दो तो हर्बल ड्रॉप तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो फिर खोजता ही रह जाएगा कि रंग कहां से बना, क्योंकि अगर आपने सेवलॉन देने को कहा तो सेवलॉन समझ जाएगा, पहचान जाएगा, डिटॉल देने को कहा तो पहचान जाएगा। और तो और वो एक नीला रंग होता है जैसे साफ करते हैं टब वगैरह, पोटेशियम
पोटेशियम परमैंगनेट, जिससे हम लोग पहले टब साफ करते थे, है मालूम ही नहीं था कि सरलौन से साफ कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, यहाँ जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं सब अनुभव से आई है, कोई वैज्ञानिक ने नहीं बता दिया कि ये वैज्ञान कहता है और ये करना है। हम पोटेशियम पर मैग्नेट से हमेशा साफ कराते रहे टब, और पानी गिराते रहे, और पानी गिरता है तो वो जमीन में चिपक है और वो काला रंग पैदा कर देता है, पोटेशियम पर मैग्नेट। क्योंकि जब पानी डालते हैं तब उसको रगड़ना चाहिए, तब वो साफ होगा। रगड़ा तो ज्यादा नहीं, नौकर ने लिया पानी उलट दिया, नाली से बह गया और वो रंग वहीं पर वहीं रहे। तो बाद में समझ में आया कि टाइल साफ कराते कराते जब दम निकल गया तब समझ में आया कि सेवलॉन इस्तेमाल किया जाए तो साफ करेगा। और जो बहुत कॉन्शियस हो, बहुत परेशान रहने वाले हो, उनको डिटॉल से साफ कर दो और तीनों रंग मिला दो तो उसके अल्लाह मियां भी नहीं पहचान पाएंगे, खुदा बाप भी नहीं पहचान पाएंगे कि मिलके कैसे बना है। और आप वो बोतल बेच सकते हैं, ये दो बूंद रोज डालना और तुमको कट स्नान लेना। कट स्नान के फायदे तो अलग बता दो और इस हर्बल ड्रॉप का अलग फायदा बता दो और बोतल बेच दे। और पांचवा है रंगों के ध्यान से आरोग्य प्राप्ति। रंगों के ध्यान से आरोग्य प्राप्ति, कलर मेडिटेशन। कलर मेडिटेशन, जिस कलर की आपको जरूरत है उस कलर का ध्यान कीजिए, आपको उसका लाभ मिलेगा। ये पांच तरीके हैं जिससे हम सूर्यकिरण चिकित्सा का प्रयोग अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए करते हैं, लेकिन इसमें रेडिएशन सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे फायदेमंद है, जिसको किए बिना प्राकृतिक चिकित्सा पूरी नहीं होती, इसलिए उसका प्रयोग आलू मंदिर में आपने देखा। अब सूर्य तप्त चीजें बनाते कैसे हैं, जैसे मैंने आपको बताया ओरल एप्लीकेशन में पानी है, मिश्री है, चीनी है और मिल्क पाउडर है। तो जैसे पानी को आप एक बोतल में भर लीजिए, जिस रंग से उसे चार्ज करना है, लाल, नीला, पीला, बरा, और आपको चारों रंग की बोतल बाजार में नहीं मिलेगी। पीले रंग की नहीं मिलेगी, हरे रंग की तो शायद मिल भी जाए, है नीले रंग की पहले मिला करती थी 20 साल पहले, क्योंकि पहले जो दवाओं का प्रयोग होता था वो दवाएं जिस रोग का नाश करती थी और रंग उसी दोष को नाश करता था, तो उसी रंग की बोतल में वो दवाएं रखी जाती। मुझे 20 साल पहले का याद है कि जो इस समय डाइजीन जेल या डाइजीन टेबलेट बिकती है जो एसिडिटी को कम करती है, पहले एलोड्रॉक्स के नाम से आया करती थी 20 साल पहले, तो वो नीली शीशी में आया करती थी और तब वो ग्लास की आया करती थी। अब ग्लास से उन्होंने उसको प्लास्टिक में बदल दिया, लेकिन रंग वही इस्तेमाल करते हैं जो उस रोग निवारण में रंग की आवश्यकता होती है। तो अगर रंग की बोतल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, रंग की बोतल ना मिले तो आप सफेद रंग की बोतल ले लो, अच्छी तरह उसको साफ कर लो, अच्छी तरह उसको सूख जाने दो, उसके बाद उसको 3/4 बोतल पानी से भर दो और उसके बाहर जेलेटिन पेपर लगा दो, क्योंकि ये जेलेटिन पेपर हर रंग के मिलते हैं, लाल, नीले, पीले, हरे, और लगाने के बाद आप 3/4 पानी भर दो और मुंह को कॉर्क से बंद करो और एक लकड़ी के ऊपर उसको धूप में 6 घंटे के लिए रखो। और 6 घंटे की अगर 2 बोतल रखते हो तो ये ध्यान रखो कि एक बोतल की छाया दूसरे बोतल पे नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अगर छाया पड़ गई तो वो सूर्य किरण पूरी की पूरी तरह चार्ज नहीं होगी। इसलिए ये ध्यान रखते हुए कि आप 6 घंटे उसको धूप में रखिए और 6 घंटे में उस रंग से वो पानी चार्ज हो जाएगा और फिर उसका इस्तेमाल हम 3 दिन तक कर सकते। तो पानी 6 घंटे में चार्ज होता है। और इसी तरह चीनी, मिश्री और मिल्क पाउडर को हम 45 दिन रखते हैं तब वो पूरी तरह चार्ज होता है और उसके बाद उसका प्रयोग हम 3 महीने तक कर सकते हैं। चीनी, मिश्री और मिल्क पाउडर, और सबसे अच्छा होम्योपैथी की गोली ले लीजिए और उसको चार्ज। और इसी तरह तेल, घी और ग्लिसरीन को भी 45 दिन तक चार्ज करना। घी, तेल और ग्लिसरीन, इनको भी मिश्री
जैसे ही 45 दिन तक धूप में दिखाना होगा तब ये 3 महीने तक काम, 3 महीने तक काम में आते हैं। एक महीने से एक साल के बच्चे के लिए 2 चम्मच पाउडर, ये वाटर, वाटर की डोज बता रहे हैं। 1 माह से 1 साल के बच्चे के लिए 2 चम्मच, 1 साल से 10 साल के बच्चे के लिए 4 चम्मच, 10 साल से ऊपर के बच्चे के लिए 8 चम्मच। और रोज 3 खुराक दी जाती है 6-6 घंटे। नहीं, और रोग की अगर तीव्रता है तो 2-3 घंटे में भी दी जा सकती है, और हैजा बुखार और तीव्र बुखार है तो 15-15 मिनट में भी दिया। नारंगी रंग और लाल रंग से तप्त चीजों को भोजन के 15 मिनट बाद देते हैं। नारंगी और लाल रंग से तप्त चीजों को भोजन के 15 मिनट बाद, और नीले और हरा रंग से जो दवा बनाई जाती है वो भोजन के आधी घंटा पहले। नीले और हरे रंग से भोजन के पहले खा लीजिए। और इन तीन रंगों की विशेषता है, जैसे नारंगी रंग पेट में वायु, गैस, भूख न लगना, बदहजमी, कमजोरी, सर्दी से पतले दस्त, दमा का दौरा, गठिया, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द। हरा रंग पुराना कर, उच्च रक्तचाप, अस्थमा, ज्वर, नेत्रों की कमजोरी, शरीर पर दाने व बुखार, ठंड के कारण सिर दर्द, नीले रंग का प्रयोग, मुंह में छाले, तेज बुखार, टॉन्सिल, दांत में दर्द, खुश्क खांसी, अनिद्रा, मुहासे, पेट में जलन, बाद के लेक्चर में कुछ समझ में आ रहा था लड़ाई हो जाए, उसमें 6 घंटे चार्ज हो, उसके जो खराब करते हैं वो अच्छा।
खाने के बाद में धूप का है उसका किताब है सूर्य किरण चिकित्सा नाम की पुस्तक उपलब्ध है 40 रुपए उसका मूल्य है कुछ प्रतियां शेष है इसलिए जिन्हें बहुत आवश्यक है वो आज ले लें कल मिल जाएगी तो बहुत अच्छा नाम मिलेगी देख लेना राइटर बता देंगे पूछताछ के जो दुर्गा जी बैठे हो आपको राइटर बता देंगे राइटर पसंद आए इसको ले लेना और